नमस्कार, मैं विकास सिंह। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डिसेबिलिटी पेंशन का कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो कि फौज का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से बहुतों का हो जाता है, पर ये देखा गया कि ज़्यादातर लोग जो हाइपरटेंशन डिसेबिलिटी के साथ रिटायर हुए हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है। पर कुछ ऐसे भी केसेस आपने देखे होंगे या फिर सुने होंगे जिनको पेंशन मिलता है। ऐसे क्या है, कौन सा वो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करने पर आपको हाइपरटेंशन है तब भी मिलेगा डिसेबिलिटी पेंशन, और कुछ ऐसे कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन है जबकि आपका जो रीजन है, जो आपका डिसेबिलिटी है, वो आपको लगता है कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए पर आपको नहीं मिल रहा है। तो आज देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन का जो कुछ सिंपल सा रूल्स है, जो सबसे कॉमन जो रूल्स है, जो प्राइम रूल्स है, वो है एक टर्म्स जो आप जान लीजिए, दो वर्ड है। एक है एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस और दूसरा है एट्रिब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस। अब ये कौन सा क्या बीमारी है, एट्रिब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड। देखिए बहुत आसान से लैंग्वेज में इसको मैं बताना चाहता हूं आपको। एट्रिब्यूटेबल वो होता है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो फौज का सर्विस का वजह से हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि आप फायरिंग में गए या फिर आप बैठ के कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और कंप्यूटर में काम करते समय आपको चोट लग गया, या फिर आप एक्सरसाइज में जा रहे हैं, अपलोडिंग डाउनलोडिंग हो रहा है, जो सामान आप अपलोड कर रहे हैं या फिर टेंट कर रहे हैं, उस समय आपको चोट लग गया, ठीक है। तो ये सब केसेस जो होगा एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, यानी कि डायरेक्ट इसका एक लिंक है, फौज का जो सर्विस है, जो फौज का ड्यूटी है, उसके साथ एक डायरेक्ट लिंक है कहीं। दूसरा एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड क्या है, जहां पे कैजुअल लिंक है। जैसे कि मान लीजिए आपको अस्थमा हो गया, आप जो है फौज का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से हुआ है और दूसरा कोई रीजन नहीं है, आपका जो फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आपका फैमिली में किसी को कभी अस्थमा नहीं हुआ होगा और आपका जो फौज का जो सर्विस है उसके साथ लिंक जो है डॉक्टर ने बैठा लिया, यानी कि डॉक्टर को ऐसे लगा कि फौज का सर्विस ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो जाता है। तो देखिए, आपका कोई भी डिसेबिलिटी हो उस पर आपको पेंशन मिलेगा तब मिलेगा अगर आपका डिसेबिलिटी या तो एट्रिब्यूटेबल होना चाहिए या फिर एग्रीवेटेड होना चाहिए। दोनों में से कोई भी अगर एक होगा तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। यह है रूल नंबर वन। अब आते हैं सेकंड जो क्राइटेरिया है जिस पर डिपेंड करता है आपका डिसेबिलिटी पेंशन, वो क्राइटेरिया क्या है। वो क्राइटेरिया ये है कि आपका जो जो डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज, कुछ केसेस हैं जैसे कि आप प्रीमैच्योर रिटायर जा रहे हैं तो उसमें 20% मिनिमम होना चाहिए, आप पूरा सर्विस करके जा रहे हैं उस केस में भी 20% मिनिमम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सबके लिए ये क्राइटेरिया एक जैसे नहीं है। अगर आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं तो 1% भी आपका डिसेबिलिटी होगा तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, ठीक है। वहां पे 20% का जो मिनिमम कैपिंग है वो नहीं है, आपका 1% भी होगा तब भी वो ब्रॉडबैंड होकर के 50% हो जाता है। तो 1% इक्वल्स टू 50%, ये ब्रॉडबैंडिंग होता है, पर ये हर केस में नहीं होता है, ये होता है इनवैलिड केस में। एक तो फौज आपको रिलीज कर रहे हैं तब होता है, दूसरा क्या है, SCRC में आपको सेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है या फिर आप लेने के लिए इच्छुक नहीं है, उस केस में आप रिलीज हो रहे हैं तब भी आपका मेडिकल इनवैलिड सो होता है। तो ये सब केसेस में क्या होगा, आपका डिसेबिलिटी 1% भी होगा तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग अदर कंडीशन, कौन सा, एट्रिब्यूटेबल या फिर एग्रीवेटेड होना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो अहम सवाल था, जो बहुत सारे लोगों ने जो है मेरा जो पिछले वीडियोस है उसमें सवाल रखा गया कि सर क्या हाइपरटेंशन में पेंशन मिलेगा, तो ये जवाब है हाँ मिलेगा, हाइपरटेंशन में भी मिलेगा,
सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द कंडीशन, ये दो कंडीशन जो है, इस कंडीशन दोनों अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आपको मिलेगा, यानी कि आपका एपीएमएस 15 में एट्रिब्यूटेबल या फिर एग्रीबिटेड होना चाहिए, दोनों में से कोई एक डॉक्टर ने अगर लिख दिया यस तो आपको मिलेगा। दूसरा क्या है, इन केस ऑफ इनवेडमेंट 1% होने से भी आपको डिसेबिलिटी अगर 1% भी है तब भी आपको मिलेगा, और अदर देन इनवेडमेंट आपका 20% मिनिमम डिसेबिलिटी होना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है इस पर तो आप जरूर मुझे मेल कीजिए servicemanindiainfo@gmail.com। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।